नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक आपके 5 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये आपका 6वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे दहन, दहन और ज्वाला के बारे में। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और लास्ट में इसका जो भी निष्कर्ष होता है उसे बता दिया जाता है। जो आपका मेन उद्देश्य होता है इस चैप्टर को पढ़ने का उसे समझा दिया जाता है, ठीक है। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक विक्रम और इस विक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों को का अध्ययन करें। दहन क्या है? दहन क्या है? कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण यानी कि याद कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम चलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़ों को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इस तरह से मैग्नीशियम का दहन हो गया। जलना रासायनिक विक्रम में विक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। रासायनिक विक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहक कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या फिर गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दहन पदार्थ। ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7वीं में सीखा भी था। क्रियाकलाप 6.1 6.1 स्ट्रा, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की मदद से देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा उसे आदाह है। लकड़ी जलता है, कागज भी जलता है, लोहे की कीलें कहाँ जलेंगी, मिट्टी का तेल भी, पत्थर का टुकड़ा कहाँ जलेगा, नहीं जलेगा ना। काष्ठ कोयला भी जलेगा, माचिस की तीलिया, कांच नहीं जलेगा, ठीक। ये आपके दाह्य पदार्थ हो गए जो जलते हैं और आदाह्य पदार्थ जो नहीं जलते हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं? क्रियाकलाप 6.2 को देखते हैं। याद रखिए, जो भी क्रियाकलाप होते हैं इन्हें अच्छे से पढ़ के आपको निकलना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कहीं आप बैठे रहे यही करते हुए, तो ये करना नहीं है, बस आपको निकल जाना है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, कांच को चिमनी की को मोमबत्ती के ऊपर, लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार को रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है।
अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन विक्रम में वायु की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, बुझ गई ना। तो जलने के लिए वायु बहुत ही आवश्यक होती है, यानी कि ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। इस पूरे क्रियाकलाप में हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है, धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। सूर्य में ऊष्मा और विकास नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस विक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इस तरह से अब आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप लोग गैस में आग लगती है सिलेंडर में, तो आप पानी डालेंगे तो और वो फैलेगी आग, ठीक है? तो इसके लिए बेहतर रहता है कि इस तरह के कंबल या बोरे पट्टे या आपकी जो रजाई होती है उससे दबाएं उसे, तो बेहतर आग बुझ जाएगी, ठीक है? क्योंकि पानी से क्या रहता है कि ऑक्सीजन उसे मिलती रहती है और वो और फैलती है, ठीक है? आपको कागज के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीलें इनके पास लाते हैं तो यह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, जंगल की आग। क्या ये अनुभव आपको बताता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं पकड़ लेती है? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की एक लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बना माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फॉस्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है, परंतु श्वेत फॉस्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच कॉच और थोड़ा सा
लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगी पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल, लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ती, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। क्या है? किसी पदार्थ के जलने के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है, तभी वह पदार्थ जलेगा। क्रियाकलाप 6.4। कागज के दो कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 500 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? कागज के खाली कप का क्या होता है? जलयुक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना चाह रही रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज की ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। जिस पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वह जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे आपका पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फायरमैन दबाव के साथ जल के फेंक कर आग हो जाता है। क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति, और तीसरा है ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन की ईंधन होता है। जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल अभी तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी होती है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी है तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। याद रखिए, अगर विद्युत उपकरणों में आग लगी है तो जल का कभी भी उपयोग ना करिए, क्योंकि जल आपका विद्युत का चालन होता है और आग तक विद्युत पहुंच जाएगी, ठीक है, और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है
कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है, तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आपकी आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इस पदार्थ से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आपकी आग बुझा देती है। अब चलते हैं हम लोग दहन के प्रकार देखते हैं। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए सावधानी से। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाती है। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के कारण जल उठता है उसे क्या कहते हैं? सुता दहन। कोयले की खानों में कोयले की धूल की सुता दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के सुता अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आपको पूर्णतः बुझाना आवश्यक अवश्य याद रखिए। याद रखिए बताइए NCERT में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं लेकिन कहाँ हम लोग मानते हैं। पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन मानते कुछ नहीं। आगे देखते हैं। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने लग से ऊष्मा विकास और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। बात करते हैं ज्वाला। LPG ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम रेबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आप सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं, अपने परीक्षण में लिख सकते हैं। देखिए यह आपका मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं का रंग है। यह आपका मोमबत्ती एक स्टोव, मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती, बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं हैं। ठीक। बात करते हैं ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकंपित ज्वाला के अधिप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। देखिए इस तरह दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं।
इसके विपरीत लकड़ी का कोयला बाष्पित नहीं होता है और कोई को ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला की तीव्र क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या सलाइट प्रवेश करिए, उसे संडासी से लगभग 10 मिनट सेकंड तक पकड़कर रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। तो आप क्या देखते हैं? इस तरह देख लीजिए, कांच की प्लेट या सलाइड एक गोल काला वलय बना बन गया। यह ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। इस तरह से ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार धातु की फुकनी से ज्वाला की सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला की सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए, सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, ठीक है, कम गहन, कम गर्म, सबसे कम गर्म, ये आपका यहाँ सबसे ठीक, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक, ये आपका दिख रहा है, और ये आपका आंतरिक दहन वाला मध्य भाग पीला, ठीक है। धातु की फुकनी से फूंकता हुआ सुनार, इस तरह से तो फूंकते हैं। ईंधन क्या है? अब बात करते हैं ईंधन क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। ईंधन क्षमता, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी की को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं इसके लिए। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा इसका ऊष्मीय मान कहलाती है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान। इसी तरह के आपको पॉइंट याद रखना है, यही पकड़ना सीख लीजिए, ठीक, और यही पकड़ कर आप लोग निकल जाइए। ईंधन के उसमें मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मानक द्वारा मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के उसमें मान आपके सारणी 6.4 में दिए गए हैं। देखिए विभिन्न ईंधनों के उसमें मान, गोबर के उबले इस उसमें मान क्या होता है? 6000 से 8000, लकड़ी का 17 से 22000, कोयला का 25 से 33, पेट्रोल का 45, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45, मेथेन 50, सीएनजी 50, एलपीजी 50, जैव गैस 35 से 40, और हाइड्रोजन 1,50,000, 1.5 लाख, ठीक। बात करते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन को बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं।
ये सूक्ष्म कण खतरनाक विदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू अथवा तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बहुत मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर में प्राप्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसा कि आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा था। आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए कि आपके यहाँ अभी भी लकड़ियों पर रोटी बनती है इस तरह की ईंधन से, लकड़ी हो गया, गोबर के वो ओगले हो गए, उस तरह से कमेंट बॉक्स में अपना क्षेत्र बताइए, ठीक है, अगर आपके यहाँ बनती है अभी भी, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र तब बदल गए हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, मौत भी हो जाती है इससे। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं जिसमें समुद्र में जल स्तर बढ़ जाती है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर पर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाते हैं। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह अत्यंत दम घुंटू और संचारण गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है जो भवनों, फसलों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं पहले। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ने ले लिया, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है आपका। तो इस अध्याय में आपने प्रमुख शब्द देखे, अम्ल वर्षा के बारे में जाना है, ऊष्मीय मान देखा है, दहन देखा है, विस्फोटक, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशमक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलता, ज्वलनशील पदार्थ। आपने क्या सीखा है, यह आपका निष्कर्ष कह सकते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का जलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं, वहां आप लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक। ज्वाला के तीन भिन्न क्षेत्र हैं, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से बहने योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, श्वसन कष्टों को
उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन में से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेना, ठीक है। जो आपकी PDF है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। सभी आपकी जो भी बुक्स खत्म होती जा रही कक्षा छठवीं से लेकर, उन सभी की PDF आपकी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उन्हें अपने पास अच्छे से रख लें। तो ये आपका छठवां चैप्टर था, दहन और ज्वाला। सातवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण देखेंगे।